सर, छोटू राम की प्रतिमा जो मूर्ति है, जो फोटो है, वो आपको हाथ में लेने की नौबत क्यों आई? मैंने तो ली नहीं, किसी ने दे दी। सर, छोटू राम तो अंग्रेजों के सिपे सलार। जाट समाज का आपने आज भी नाम नहीं लिया। जाट समाज को हमारे पास टिकट लेना तो दूर, हमारी बात सुनना नहीं चाहता तो हम उसके घर जाकर टिकट तो दे दे रहे। राजकुमार सैनी पे आरोप लगते आए हैं। 2016 में आंदोलन हुआ, समाज में जहर घोलने की अहम भूमिका राजकुमार सैनी की थी। मैं उसकी जूती में पानी पीऊंगा, कुछ साबित कर दे। स्टेज से भी राजकुमार सैनी ने जाटों के प्रति जहर उगला था। एक एक सांस में पानी पीकर 100-100 घड़ी निकालते। 2019 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार सैनी ने मंच से कहा था 35-1। वो निकाल लियो भाई, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। 35-1 का नारा दिया था। अब वो 36 बिरादरी के भाईचारे की बात कहाँ से? मैं तो 36 भी नहीं कहता, 36 का आंकड़ा तो वैसे ही मैच नहीं करता। कहीं आपको ये लगता है कि आपके पास जमीन नहीं थी तो चौधरी छोटूराम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? मैं तो अभी कह रहा हूँ आपको, काली रमन जी बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री भी बनूंगा, याद रखे मेरा आज का बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी न्यूज, मैं आपके साथ रवि कालरमन। इस वक्त हमारे साथ LSP के सर्वे सर्वा पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ौदा जो उपचुनाव है, ये इस इलेक्शन में कहां तक पार पाएंगे, क्या लोगों को समझा पाएंगे, इनके पक्ष में वोट डलवा पाएंगे। नमस्कार सर, आपका खरी। नमस्कार सर, क्या लगता है जो बड़ौदा उपचुनाव है, सरकार के खिलाफ जो चुनाव होता है, जो उपचुनाव होता है वो सरकार के खिलाफ होता है, क्या लगता है कि LSP कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, मैं 26 साल से प्रदेश के अंदर हो रहे भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। सत्ता मेरा रोजगार नहीं है, सत्ता मेरा व्यवसाय नहीं है। मैं सत्ता को समाज सेवा समझता हूँ और समाज सेवा लोग भूल गए हैं। ये लोग जगेंगे या नहीं जगेंगे ये भी मेरा विषय नहीं है। मैं तो गुहाणा में भी पीछे लोग बुला करके लेके आए थे कि ये गुंडागर्दी के खिलाफ आप लड़ेंगे, हमारे में तो किसी में हिम्मत है नहीं। हालांकि मेरा हलका रादौर कुरुक्षेत्र में अपने समाज की 30-35 हज़ार वोट है, मैं तो वहाँ आराम से जीत सकता था। लेकिन लोगों के पास जो ऑप्शन थी वो सिर्फ ये थी कि राजकुमार ही लड़ेंगे। लेकिन मुझे हराने के लिए मोदी जी आए, राजनाथ जी आए, अमित शाह जी आए, स्मृति रानी आई, यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर 3 दिन तक यहीं समाज में बैठा रहा, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर भी मेरी 2-2.5 हज़ार वोटा अगर इधर से उधर हो जाती, 2 हज़ार वोट, तो मैं इलेक्शन जीत रहा था। इस कमज़ोर तबके में इतना दम नहीं है कि ये अपनी बात सामने कह सकें। मैं भी अगर सर्वे करवाऊँ और आप ही की ड्यूटी लगा दूँ कि भाई देखिए जाकर के समाज में क्या चर्चा है, एक भी व्यक्ति अगर उसके मन में होगा कि राजकुमार सैनी को वोट पानी है, तो वो आपको बता नहीं पाएगा कि मैं वोट पा सकता हूँ। क्योंकि गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर इतनी हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को झूठे कागजों के आधार पर आरक्षण में शामिल कराया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और मुट्ठी भर लोग बहका करके समाज के लोगों को, युवा शक्ति को ट्रालियों में चढ़ा करके पेट्रोल बम बना करके बड़े बड़े शोरूम फूंक दिए, 17 लोग मौत के घाट उतार दिए, बहन बेटियों से रेप हुआ, 800 MP में एक आदमी भी बोल नहीं सका। तब मैंने कहा था कि अगर आरक्षण देना ही है तो ये आरक्षण जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण कर दो, एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित करो, और हम दो हमारे दो की नीति पर जैसे चाइना ने अपनी आबादी कंट्रोल की, आबादी कंट्रोल करो, और किसान को अगर और मजदूर को बचाना है तो एक तहसील में कितने किसान कितने मजदूर हैं, उन लोगों की सुनिश्चितता करो कि किस मंथ में किस किसान को कितने मजदूर चाहिए, उससे उतना पैसा भरवा करके उतने पैसे जितने पैसे सरकार ने मनरेगा से देने हैं 300 रुपये, 300 रुपये किसान से भरवा लो, मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपये बन जाएगी, किसान को 300 रुपये में मजदूर मिल जाएगा, देश के पैसे देश के लोगों के काम आ जाएंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा,
जो जो आज पैसा पूरा का पूरा मैंने आपके सामने यहाँ हाथ उठवा के पूछा कि मनरेगा के पैसे 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना में कितने लोगों को मिल रहे, आपके सामने गरीब तबका था सारा, एक आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया, एक आदमी को भी मिल नहीं रहे। और मैंने सारे गांव में 50-55 गांव में मैंने सब जगह ये बात पूछी, ये लोग अपनी वोट की गरीबी में जो लोग इनको कीमत दे के जाते हैं हमारे चमचे कड़छे हमारे समाजों में 5-5 हज़ार रुपये लेके वोट के, और इन लोगों को 1000-1000 का नोट थमा देते हैं, अपना भी घर चलाते हैं और इन लोगों को भी खरीद बेच में डाल देते हैं। इस वजह से देश की 75-80% आबादी हाशिए पे चली गई, और देश में जब 80% लोग भूख के कगार पे खड़े होंगे, ना वो मकान बना सकते ना गाड़ी खरीद सकते ना वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते ना ही, तो फिर कोई एक मकान जब बनता है, अगर घर बनाने लगे कोई उससे सरिये वाला लोहे वाला ईंट वाला सीमेंट वाला रोड़ी वाला पत्थर वाला टाइल वाला लकड़ी वाला जाली वाला डोर क्लोजर वाला जो है ना सारी इंडस्ट्री उससे जुड़ करके पर्दे वाला फर्नीचर वाला जो देश की इंडस्ट्री डेवलप ग्रो करेगी, जब उसके कंज्यूम होगा माल, जब हमारे देश में कोई काम हुआ नहीं, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता उनके मंदिर बनाते आ रहे हैं आदिकालों से, आज भी मंदिर बना रहे हैं। हमारे देश से लोहा कोयला चाइना ने आयात करके हमारे देश में हमारे से आधे रेट के ऊपर इंडस्ट्री की मशीनरी बेच के जाते हैं, और यहाँ घड़ियाँ लड़ियाँ मोबाइल बेच के जाते हैं, कपड़े जूते बेच के जाते हैं, हमारे देश के बच्चे कंगाल और चाइना माला माल। ये बात हम रोज समझाते हैं लोगों को। हमारा विषय ये नहीं है कि हम यहाँ पर MLA बनेंगे नहीं बनेंगे, कि आप एक बार वोट पाने सीख लो, अगर आपको हमारे पे भरोसा है तो वोट पाना, अन्यथा हम आपकी वोट मांगने के लिए नहीं आए, हम आपसे मदद मांगते हैं। अगर आप मदद करोगे तो हम देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा कर दिखाएंगे, इन बच्चों को रोजगार के साथ जोड़ के दिखाएंगे। LSP में क्या सिर्फ एक राजकुमार सैनी बचे हैं? देखिए, जब कोई रास्ता या मार्गदर्शन दिखाना होता है तो महात्मा ज्योतिबा फूले भी अकेले इस समाज में स्कूल खोल करके उनको शिक्षा देने के लिए निकले। जब भीमराव अंबेडकर इस देश में समानता पर आधारित संविधान लिख रहे थे वो भी अकेले थे, लेकिन जो लोग उसे काटने वाले महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और यहाँ तक के लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक करते करते लाठियों डंडों की मार से मर गए कि ये तेली तंबोली भटकुन भटके जाके पार्लियामेंट में हल चलाएंगे, हम इन दलितों पुछनों शूद्रों को बराबर नहीं बैठा सकते, ऐसी आज़ादी से हमें यूं ही ठीक है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने यह कंडीशन रख दी थी कि फिर हम अंग्रेजों के साथ चले जाएंगे, तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो आपने लिख दिया हम उसे लागू करेंगे, आप देश आज़ाद होने दो। देश आज़ाद हो गया, 14 साल जवाहरलाल नेहरू राज करते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज की रिजर्वेशन नहीं लागू करते। शास्त्री जी आए, उसने काका कलेलकर रिपोर्ट को आज लागू करने के बजाय सच्चर कमेटी बना दी, उसने भी लागू नहीं किया, नई कमेटी बना दी। फिर इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने नानावती आयोग बना दिया, उसने भी लागू नहीं की। फिर कांग्रेस की तब्दीली हुई और बीजेपी जनता पार्टी आई तो मोरारजी देसाई आए, उसने मंडल आयोग बना दिया, लागू उसने भी नहीं किया। VP सिंह ने लागू किया था रिजर्वेशन, लेकिन देश के उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने पूरा हरियाणा और देश पकवा दिया था कि बैकवर्ड को उनका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ये देश में नौटंकी और मंडल आयोग से ध्यान हटाने के लिए अडवाणी जी करमंडल लेके देश में रथ यात्रा लेके निकल पड़े कि आपकी ज़मीन पे तो रामलला की ज़मीन पे तो बाबरी मस्जिद बनी हुई है, और बाबरी हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना के उस सिस्टम को खटाई में डाल दिया। हम ये चीज़ें बता रहे हैं। मेरा सीधा सा एक सवाल था आपसे, क्या LSP में राजकुमार सैनी के अलावा कोई नेता नहीं है? जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी इलेक्शन होता है, वहाँ सिर्फ राजकुमार सैनी ही इलेक्शन लड़ते हैं? मैंने 80 आदमी लड़वाए थे जी, तो शाम से मनीराम सरोवा ऐसी समाज का जनरल सीट पर लड़वाया, राजकुमार खटक सीमाणी से SC धानक समाज का व्यक्ति जनरल सीट पर लड़वाया, और पानीपत में जो है ना जनरल सीट पर राजकुमार सरोवाल लड़ाया था,
21 सीटें एससी ने लड़ी, 5 सीटें प्रजापतियों ने लड़ी, 5 सीटें पंचालों ने लड़ी, 4 सीटें कश्यपों ने लड़ी, एक सीट सेन समाज ने लड़ी, एक ब्रागी समाज ने लड़ी। हर समाज के व्यक्ति को, ब्राह्मणों को 11 सीटें दी गई, हमारे सारे समाजों को बीच में मिक्सअप। क्या वजह थी अभी तक उनमें से जितने भी आपने जिन समाजों के टिकट गिनाई उनमें से जाट समाज का आपने आज भी नाम नहीं लिया? जाट समाज को हमारे पास टिकट लेना तो दूर, हमारी बात सुनना नहीं चाहता, तो हम उसके घर जाके टिकट तो देने दे रहे, और उसको तो 27 टिकट बीजेपी वाले ने भी दी थी, उन्होंने तो बीजेपी की टिकट भी सारी की सारी रिजेक्ट कर दी थी। ये तो 5-4 भी वो जीत गए जो बीजेपी में हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको सपोर्ट किया। राजकुमार सैनी पे आरोप लगते आए हैं कि समाज में जो जहर घोला 2016 में आंदोलन हुआ उसमें समाज में जहर घोलने की अहम भूमिका राजकुमार सैनी की थी। ये रोज पेपर आरटीआई के जो कागज हैं ये दिखाता हूँ, ये मनोहर लाल खट्टर 8.5 लाख रुपये दे रहा है चौधरीयों को बैकवर्ड की वोट लेने के बाद, 2,68,00,000 रुपए SC ST आयोग से। और ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो पेपर पेश हुए थे वो ये पेपर है, ये पेपर सरकार ने पेश किए थे हाई कोर्ट में कि जब हमने पूछा था कि इस जात की संख्या कितनी है, नौकरी कितनी है, 28% ये है 68,500 जाट समाज के, और ये 69,000 लोगों ने जात छुपा ली थी। जब कहा 4 सीट कर दो उनको तो सारे चौधरीयों के ही मतलब जो है ना लोगों के नॉमिनेशन आए, उन्हीं की मतलब रिपोर्ट आई, जब नौकरी डिसमिस होने लगी तो 29%, ये 50-55% तक रोजगार 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को दिए, मुख्यमंत्रियों को हमने बनाया, और वो तो 4-4 पार्टियां लड़ती हैं उनकी, तो मुख्यमंत्री बनाने वाले यही SC BC समाज के लोग हैं, लेकिन हमारी हिस्सेदारी इनकी 13% और हमारी ये 11%। अब रही बात यह कि भाईचारा किसने खराब कराया, जिन लोगों ने भेदभाव बरता, और अगर अब हम उसका चर्चा करते हैं, किसी के मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, जब उसे छुड़वाने की बात आती है तब नेचुरल है उसे पीड़ा होगी ही होगी, जो दूसरे पर आरोप लगाएगा कि भाई चारा खराब कर दिया, हमने चारा खराब कराया जिसको चारा बना लिया, भाई चारा तो जोड़ा। स्टेज से भी राजकुमार सैनी ने जाटों के प्रति जहर उगला था, वो कई वीडियोस में भी आया है, लोगों ने सुना भी है। उसके बाद जो 2016 वाला जो आंदोलन है इसका जो उग्र रूप जो है वो सामने आया। अगर एक भी बाइट मेरी पूरे इन 4 साल में किसी समाज के प्रति, जाति धर्म के प्रति कोई साबित कर दे या प्रेस विज्ञप्ति, मैं ये कहूँगा कि फिर मैं उसकी जूती में पानी पीऊँगा जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन मंचों से मेरी माँ को, बहन को, बेटी को कितनी कितनी गंदी गंदी गालियाँ अब भी लोग देते हैं, और अब भी लोग जो है ना रास्ते रोकते हैं, लोग क्या कह रहे हैं ये जगह Yeah.
ये चीज मैं दिखाई आपको, कितनी दिखाऊं, जो एक कुरुक्षेत्र रैली, भिवानी रैली, रोहतक रैली, पानीपत रैली, जब मेरी रैलियों की श्रृंखला आप टीवी पर बोल के खोलेंगे यूट्यूब से, तो आपको मेरे ऊपर फूल बरसते हुए देखना, चौधरी होंगे कितने, एक एक सांस में पानी पी का 100-100 गाड़ी निकालते हैं अर्रा कुमार सैनी की, एक गाड़ी कोई साबित कर दे ना कहीं। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, निचला आदमी किसी को बोलता हूँ अच्छा नहीं लगना। और मैंने आपके सामने सुनाया कि मेरी माँ ने कहा था, उस जिंदगी से मौत भली है जहाँ रोज मर करके जीना, वो जिंदगी मैं नहीं जीता। 2019 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार सैनी ने मंच से कहा था 35-1, वो निकाल लियो भाई, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, 35-1 का नारा दिया था। अब वो 36 बिरादरी के भाईचारे की बात कहाँ से। मैं तो 36 भी नहीं कहता, मैं तो 6743 जातियाँ SC/BC की हैं, 6743 जातियाँ हैं, 36 बिरादरी तो लोगों ने उन्होंने बना रखी हैं जिन लोगों के पास जो है ना एक किताब दरी है कि भाई हमने तो 36 बिरादरी, 36 का आंकड़ा तो वैसे ही मैच नहीं करता, कहते हैं ना 36 का आंकड़ा भाई मेरा तो उसके साथ, हमारा किसी से 36 का आंकड़ा है ही नहीं, हम तो 100% आरक्षण और एक परिवार एक रोजगार हम दो, ये हमारी पॉलिसी है। इसमें 100% में सारे जाट है गए, इनमें 36 बरादरी कह लो, 6800 बरादरियाँ कह लो, एक परिवार में एक रोजगार की बात कह लो, हम दो हमारे दो कह लो, किसान मजदूर की बात मैंने यहाँ भी रखी। और लास्ट में मैं कहूँगा कि इस देश का नाश तो या राज्यसभा कर रही है जो अंग्रेजों ने बनाई। राजकुमार सैनी को कहाँ लगता है कि जो BJP उनको छोड़ना सही लगा लास्ट में, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, ये महसूस होता है कि BJP का जो आपका यूज़ जो BJP ने किया है वो यूज़ करके आपको निकालने की बातें आई, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ा। मैं जिंदगी में किसी से यूज नहीं हूँ, मैंने कभी इस बात का मैंने हर कदम 4 बार सोच के रखा। मैं गांव की पंचायत में 5 से मेंबर पार्लियामेंट बना और आपको काली रमन जी बता रहा हूँ मुख्यमंत्री भी बनूंगा, याद रखें मेरा आज का बोल। फिर मैं आपको बताऊंगा, या तो संन्यास ले लूंगा या मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं झूठे पतीलों में पानी पीता ही नहीं, मैंने तो कुआ खोद के पानी पिया, बेजमीन घर में पैदा होकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 बच्चों तक का एक इंडस्ट्रियल सेटअप चलाता हूँ और सरकार से लड़ता हूँ। सर, छोटू राम की प्रतिमा जो मूर्ति है जो फोटो है वो आपको हाथ में लेने की नौबत क्यों आई। मैंने तो ली नहीं, किसी ने दे दी, मैंने उसके मान सम्मान को रखने के लिए वो प्रतिमा ली, या तो मैंने कहा हो कि भाई तुमने मेरे को सर छोटू राम की दी। सर छोटू राम तो अंग्रेजों के सिपे सलार थे। हमने एक बात आपको ये बात कही कि जो दलित और पिछड़ा है इसकी सुरक्षा हितों की तो सिर्फ भीमराव अम्बेडकर ने की, और हम उसी का गुणगान करते हैं। मैं यहाँ सर छोटू राम का नाम ही नहीं लिया, अब प्रतिमा कोई दे गया मैं उसके सम्मान को निरादर में नहीं कर सकता। पूरा हरियाणा पूरा पंजाब सर छोटू राम के जो कसीदे पढ़ता है, जो उन्होंने किसानों के लिए काम किए हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या नाराजगी है छोटू राम ने, क्या ऐसा बुरा किया है। नाराजगी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये है जो अंग्रेजों के सर थे जो उनकी मतलब खिदमतगारी करते थे, मैं उन लोगों को इस देश की आज़ादी में, अगर ये बात आप कहेंगे कि जो लोग अंग्रेजों की आज़ादी में सर कटवा गए, उस वक्त सर छोटू राम जी कहाँ थे, किसके सर थे, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस के साथ थे या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थे, राजगुरु भगत सिंह के साथ थे, या मतलब जो है ना उनके तो बच्चे आज भी इंग्लैंड के अंदर जो है ना सर्वे सर्वा हैं, तो मतलब जो है ना पूरी उसमें है। हमारे इस देश के अंदर नाम 5 वर्गों का लिया जाता है, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़ों का, बेरोजगारों का, महिला सुरक्षा का, ये 5 वर्ग इनके ऊपर भाषण होते हैं, इन्हीं का हालात इतना ख़राब है। ठीक है जुवाड़ा साई थी या सऊकारा था, उसमें गुलाम की तरह किसान अपनी ज़मीन से महरूम था,
उस वक्त जो है ना काशीराम ने लैंड रिफॉर्म के बारे में काम किया, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म तो चौधरियों के पास थी लैंड, तो हमारे पास तो वो थी नहीं, हम तो आज भी नियत हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके पास जमीन नहीं थी तो चौधरी छोटू राम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, जो लैंडलेस लोग थे उनको सर छोटू राम ने क्या दिया? तो यही वजह मानते हैं कि जो आप हैं उनका कहीं नाम नहीं लेते, उनका जो आदर है वो आपके मन में नहीं है? नहीं, हमारा तो महात्मा ज्योतिबा फुले आप भी शूद्र समाज में थे, उस वक्त चार वर्णीय व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आप भी शूद्र समाज में, आपको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस शूद्र समाज को पशुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था, इनको शिक्षा देने के लिए सब सर्वप्रथम उसे घर छोड़ना पड़ा जब ब्राह्मणों ने उसका बाइकाट कर दिया। अब लोगों ने मेरे को कहा, जब मैंने कहा अंधविश्वास और पाखंड से बचो, मंदिरों में जाना बंद करो, अगर ब्राह्मणों ने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया कि आइए भाई तेरे विरुद्ध में तेरी सेवा करेंगे, अरे कर देना सेवा, जो मेरी तो बहुत दिन से लोग सेवा कर रहे हैं, मैं पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ हूँ, राजनीतिक शोषण के खिलाफ हूँ, भेदभाव के खिलाफ हूँ, हम अपने देश का काम करते हैं, अपने देश के सिपाही हैं, हम किसी जाति के नहीं हैं। राजकुमार सैनी को कहीं ना कहीं हेलमेट लगा के भी प्रचार करना पड़ रहा है। हाँ, वो लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया कि राजकुमार सैनी अगर बोलने के लिए खड़े होंगे तो हम पथराव करेंगे। तो मैंने कहा भाई देश अभी आज़ाद कहाँ हुआ, हम तो आज़ाद ही नहीं हुए अभी। अब आपके गरीब तबके के लोगों के हकों के लिए अगर लड़ने वाला व्यक्ति को हेलमेट पहनना पड़े तो आज़ादी कहाँ हुई? हमें तो अपनी बात कहनी है भाई, कोई सर फोड़ देगा ऊपर, चार चार मंजिल बिल्डिंगा खड़ी हैं, ऊपर से किसी ने बट्टा फेंक दिया तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे, इसलिए हेलमेट डाल करके भाई अपनी बात तो सुना के जाओ। जितने भी नेता हरियाणा में हैं किसी के साथ ऐसी नौबत नहीं आई है, किसी ने राजकुमार सैनी पे ही हमला क्यों होता है? किसी ने आज तक दलित और पिछड़े के लिए आवाज उठाई ही नहीं, सिर्फ भाषण दिए, इनके लिए किसी ने आज तक, जो भी इन पार्टियों के बड़े नेताओं के तलवे चाट के टिकट लेकर आ गया हमारे एचसीबीसी के लोग, वो इनका गुणगान करते रहे इनके हिस्से के लिए। तो आज भी अगर मोदी के सामने पैर जमा करके 200 MP आज भी एचसीबीसी के लोकसभा में है कि जनाब इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये कारमा लूटा क्यों, हम 75% लोग की हिस्सेदारी 25 क्यों, जब संविधान में सबके हिस्से बराबर है। हैंड साहब, दो सवाल मेरे आपसे लास्ट, तीन कानून जो बने हैं कृषि को लेकर कहाँ स्टैंड करते हैं आप? देखिए, इस देश में कानून ही बनते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। यहाँ रोबरी पे कानून है, यहाँ मर्डर पे कानून है, यहाँ भ्रष्टाचार पे कानून है, एग्रीकल्चर के साथ साथ कानून है, शिक्षा के ऊपर कानून है, यहाँ पर किसान के ऊपर कानून है। कानून कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है? 302 भी हो रही, रेप भी हो रही, भ्रष्टाचार भी फैल रहा। जैसे किसानों ने पहले मतलब जो है ना हर हाथ को काम देने के लिए ये बिल लाए थे, मनरेगा लाए थे, मैंने यहाँ पूछा कि मिल गई भाई नौकरी, ये बिल लोगों को आई वाश करने के लिए कि आपको बिचौलिया लूट रहा है, आपको ये कर रहा है। नहीं, इस देश के बिचौलिया जो है, अगर किसान को सुविधा देता है तो रात को उठ करके भी दे देता है, लेकिन अगर किसानों को झूठ बोल करके मिसगाइड करके, दरअसल ये किसान आंदोलन नहीं है, ये था गिद्धों का एक नोच नोच के खाने का प्रोपोगंडा। किसान तो अगर आंदोलन करे तो फिर तो किसान के आंदोलन में सफलता मिल सकती है, लेकिन ये तो पार्टियां भुनाती हैं केस को। मैं ये कहूँगा कि अगर बिल आपने बनाए हैं तो इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाओ, अगर इम्प्लीमेंटेशन जीरो है तो देश को, आप किसान को रात को उठ के भी कर्जा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तुम दो 300 रुपये लेबर की सपोर्ट। मैंने लिखा कि तुम किसान की मजदूरी नहीं निकल रही, ये मनरेगा के पैसे सारे किसान के साथ जोड़ दो, 300 रुपये किसान देगा, 300 रुपये सरकार देगी, आधी लेबर सरकार दे दे, किसान मरने से बच जाएगा। किसान की हालत भाषण से ठीक नहीं होगी, किसान की हालत लेबर देने से ठीक होगी, और लेबर को जब आधी लेबर किसान दे देगा, आधी सरकार दे देगी, तो गाँव का लेबरर भी तब बचेगा। राजकुमार सैनी को कहाँ लगता है कि जो तीन बिल हैं ये सही हैं, या आपके लिहाज से इनमें कुछ कमियां हैं या कुछ और सुधार किए जा सकते थे? मैंने कहा कि बिल हमेशा अच्छे के लिए बनते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जब चोर करेंगे, दूध की राखी बिल्ली बैठेगी,
यहाँ पर देश में काला धन आना था, आ लिया। यहाँ पर जो है ना लोगों को रोजगार देना था 2 करोड़, मिल लिया। 2 करोड़ बेरोजगार हो गए। यहाँ पर नोटबंदी हुई, यहाँ पर GST आई। यही GST जिसका सरकार विरोध करती थी, यही फिर इन्होंने पास करके लोगों को दिखाई, सारा धंधा चौपट हो गया। हम ये मानते हैं कि एकल प्रणाली में सबसे पहला तो राज्यसभा, सबसे पहले तो इसकी, इस बीमारी की रस्सी कटनी जरूरी है। जो अंग्रेजों ने सदन बनाया था कि अंग्रेजों के कानून आज भी हम 1856 के IPC को आज भी मान रहे हैं, तो जब 1856 में क्या वजूहत रहे होंगे, आज भी वो IPC के रूल हमारे पर इस देश में चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल तो बहुत बड़े हैं। अब मेरे ख्याल 3300-3200 बिल रिजेक्ट करे सरकार ने जो पिछले सदन के अंदर, कि भी अभी इनकी निष्क्रिय हो गए, इनकी जरूरत नहीं। तो निष्क्रिय राज्यसभा भी निष्क्रिय है, ये काम रोको सदन है, ये काम बढ़ाओ सदन थोड़ी है। जनता जिनको चुन के भेजती है वो लोकसभा है, वो लोअर सदन हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने लिए हाउस ऑफ लॉर्ड बनाया था और इंडियन के लिए हाउस ऑफ कॉमन बनाया था। और जब अंग्रेज चले गए तो हाउस ऑफ लॉर्ड को हाउस ऑफ एडवाइजरी बना देते, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हाउस ऑफ डिसीजन लिख दिया, बना दिया, अपर सदन बना दिया। जनता ने जो चुन के भेजे, उनके प्रतिनिधियों ने जो फैसले लिए, अगर अपर सदन उसको रिजेक्ट करके बट्टे खाते डाल देगा तो कौन से प्रजातंत्र की बात आप कर रहे हो? राजकुमार सैनी बड़ौदा हल्के में घूम रहे हैं, लेकिन राजकुमार सैनी अपने पर्सनल गार्ड लेके घूम रहा है 10 से 12। क्या लगता है कि राजकुमार सैनी को जान माल का खतरा है? मेरे को तो अब से पहले 4 गांव में लोगों ने थ्रेटनिंग दे दी है, और जब भी मैं किसी गांव में जाता हूँ तो पहले ये बात मुझे सुनने में मिलती है कि जी यहाँ फलाना भी बैठा है, फलाना भी बैठा है, यहाँ पर अंधविश्वास पे बोल लोगे जी पंडित नाराज होंगे, यहाँ पर आप दलित पिछड़े की बात करेंगे तो जाट नाराज होंगे। अरे कोई भी नाराज हो, जो सच है मैंने वो कहना है। JP दलाल अपने साथ 1200-1300 पुलिस कर्मी लेकर घूम रहे थे, अभी जो घोषणाएं कर रहे थे, क्या लगता है कहीं ना कहीं वो लोगों की आवाज दबाई जा रही है? बात तो सरकारी अमला फैला है, कृषि मंत्री है, उसे पता है कि पिटूंगा, जैसे यूक्रेन के अंदर झूठे नेताओं को पिटा गया, डस्टबिन में डाल दिया गया, ऐसे ही होएगा। 10 साल के बाद याद रखना, 10 साल के बाद ने झूठे भाषण देने वालों को लोग पिटेंगे घेर के। जो घोषणाएं बड़ौदा को लेके हुई हैं, IMT की घोषणा हुई है, कई करोड़ रुपए के जो शिलान्यास हुए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या लगता है कि ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रहेंगी या इनका अमली जामा पहनाया जाएगा? ये वोट लेने का एक तरीका है। इसी तरह जींद के बाई इलेक्शन में 1800 बच्चे चलते इलेक्शन में BJP वालों ने 4th क्लास लगाए, कोई टेस्ट नहीं प्रश्न नहीं, सिर्फ राजकुमार सैनी को डिलीट मारने के लिए। ऐसे ही अब भी सरकार हर हथकंडा अपना रही है कि भी लोगों को आई वॉश करने के लिए 2-2 कॉलेज रहे, 6 सालों में नहीं खोल सकते थे तुम। अब बड़ौदा इलेक्शन में अभी याद आया, इस बड़ौदा के अंदर गलियां को पानी का निकास नहीं, गलियों में और हमारे पूरे हलके के अंदर कोई इंडस्ट्री या कोई बड़ा कॉलेज या कोई बड़ा अस्पताल नहीं, शिक्षा को कोई साधन नहीं, पानी के पीने का। अभी जसराणा गांव में पिछले 10-15 दिन पहले मैं बैठा था, एक आदमी कान में कुछ बोलता है आगे, और वो जो है ना आदमी उठ के दौड़ पड़ता है। मैंने कहा अरे कोई एक्सीडेंट हो गया? बोला नहीं जी पानी आ गया, बस इतना ही कहते। पूरा गांव उठ के भाग गया, बोला जी 5 दिन बाद पानी आता है, पानी पीने से रह जाएंगे अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपके साथ में भाषण सुनते रहे। अब तो 1 घंटे बाद आएंगे, 1 घंटे बाद आए जब पानी खत्म हो गया। ये देश में 2 भारत हैं, एक 10-20% लोगों का भारत है और एक 75-80% लोगों का भारत है। हो सका ये डंडा आपने भी बेरोजगारी की वजह से उठाया हो, मुझे नहीं पता आप किस कंपनी के कितने बड़े आदमी होंगे, पर मुझे लगता है कि 80% बच्चे बेरोजगार ये ठा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं मुख्य वजह? तो इस देश के झूठे नेताओं को जो है ना, जैसे चाइना ने अपने लोगों को आबादी कंट्रोल करके काम के साथ जोड़ा था, इंडस्ट्री डेवलप की थी, यहाँ तो मंदिर बना रहे हैं लोग, तब भी और आज भी 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बना दिए। यहाँ तो लोग सिर्फ नखट्टू लोग मंदिरों में अनपढ़ बैठ के वो पूजा मार रहे हैं। क्या राजकुमार सैनी नास्तिक हैं? नहीं,
मैं अंदर के भगवान को जानता हूँ। मैं मानता हूँ एक अलौकिक शक्ति है विषम में, राम भगवान नहीं, श्याम भगवान नहीं, ये तो काल्पनिक चरित्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किया हमारी सरकार ने, जब पूछा गया कि नासा वालों ने कि ये जो राम सेतु है अगर तो राम ने बनाया तो सबूत ले आओ, ललई सिंह यादव ने उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर लोगों ने दावा कर दिया, उसने दावा किया था। और ये देखो ये हमारी सरकार का डाला हुआ है कि जो है ना ये हमारे महाकाव्य है, महाकाव्य का मतलब होता है महाकल्पना, ये सब कल्पना है। आप लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा यूज करने की। राजकुमार जी आखिरी सवाल, बीजेपी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे विकास के आधार पर? देखिए मैं एक चीज़ तो कहूँगा, कांग्रेस से जो भ्रष्टाचार से लोग पीड़ित होकर के बीजेपी की तरफ आए थे, यहाँ भ्रष्टाचार तो शायद कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े गिद्ध थे, लेकिन यहाँ झूठ का पुलिंदा उससे दो गुना है। कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट बीजेपी है? नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता कि अभी वो उसके नंबर कम थे, उसमें तो बहुत ज़्यादा गिद्ध हो गए थे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा झूठ होने की वजह से कि भाई मैं तो फकीर हूँ और जोड़ा उठा के कहीं भी चला जाऊँगा, तो लोगों ने कहा कि भाई वोट मांगने आया था कटोरा लेके, लोगों ने वोट डाल दिए, कटोरा लोगों को दे गया। अब जब सारा देश का धंधा ही चौपट होया पड़ा, इस बात GDP हाशिए पर है, इतना कभी भी नहीं हुआ। अब नंबर एक आदमी खा रहा है, लूट रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है, अब तो बिल्कुल चलना ही बंद हो गया। मेरा तो ये है कि देश सोने की चिड़िया था, है, लेकिन हमारे पास जो खनिज पदार्थ हैं उनका दोहन चोरों ने चोरी के नाते किया। इस देश में लोहा, कोयला, एल्युमिनियम, सिल्को मैगनीज, कार्बोहाइड्रेट, क्रोम, इतना भरपूर मात्रा में कितने जहाज, गाड़ियां, इंडस्ट्री बना सकते हैं हम। राजकुमार सैनी ये लड़ाई कब तक जारी रखेंगे? आखिरी सांस तक। तो ये थे राजकुमार सैनी, इनका साफ तौर पर कहना है जो बीजेपी सरकार है उसमें झूठ ज़्यादा है। मोदी राज में कहा गया था कि हम विकास करेंगे, हम लोगों की समस्याएं सुनेंगे, हम लोगों का साथ देंगे, कहीं ना कहीं वो उससे भी नाराज़ हैं, कांग्रेस सरकार से नाराज़ थे। आज भी एक सबसे बड़ी बात इनके मुंह से सुनने के लिए आई, ये सर छोटू राम को नहीं मानते, इनका कहना है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कहा। खरी खरी न्यूज़ के लिए मैं रवि कालीरमन।